हेलो गाइस तो क्या हाल चाल है आपके दिस इज एंड यू आर वाचिंग बहुत स्वागत है क्लास टेन फिजिक्स का चैप्टर नंबर वन और साइंस का बोले तो चैप्टर नंबर टेन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन तो बहुत मजेदार चैप्टर था लेक्चर वीडियो में थोड़ा लंबा जरूर गया है पर मजेदार था बहुत से बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर अच्छे से वो समझ में आ गया है एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो और ये चैप्टर सबसे डिमांडेड था क्लास टेन साइंस के अंदर इसलिए मैं लेक्चर वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलॉन्ग विदेंट नोट दे देने वाला हूं जिसको तुम फॉलो कर सकते हो और वो जो नोट्स का लेवल है वो एन टी बोर्ड एग्जाम और हाई लेवल का भी अगर कोई एग्जाम तुम देना चाहते हो क्लास टेन से रिलेटेड तो वो उसके लायक नोट्स है मीनस इंपोर्टेंट नोट्स है वेरी इंपोर्टेंट नोट्स है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट एक्सरसाइज तो क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? तो तो इनमें से कौन सा मटेरियल का लेंस नहीं बन सकता? So हमने देखा था कि लेंस क्या था? लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट था मतलब जिसके आर पार दिख सकता है तो so वाटर के आरपार दिख सकता है ग्लास के आर पार दिख सकता है प्लास्टिक में भी जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है पोलिथिन का एग्जाम्पल ले लो उसके भी आर पार दिखता है पर अगर कोई चीज में आर पार नहीं दिख रहा है तो वो क्ले है मिट्टी मिट्टी के आर पार नहीं दिखता तो आंसर क्या होगा क्ले द इमेज क्लीमेज बाई ए मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मतलब इमेज इमेज है तो एक जो फॉर्म हुआ है मिरर के द्वारा वो कैसा है वर्चुअल है मतलब रियल नहीं है वर्चुअल है इरेक्ट है मतलब सीधा है और क्या है मैग्निफाइड है मतलब जो ऑब्जेक्ट से बड़ा है शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए तो हमने देखा था कि जब एक ऑब्जेक्ट पोल और इसके प्रिंसिपल फोकस फोकस और पोल के बीच रहता है कनके मिरर के सामने मैंने बोला था लेक्चर वीडियोस में कि टेबल रटो जो जो बोला था जाओ लेक्चर वीडियोस देखो बिना लेक्चर वीडियो के इस वीडियो मतलब इसको देखने का

एट ट्वाइस द फोकल लेंथ एट इंफिनिटी तो कहां पे तो ये चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होंगे तो आंसर है एट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ मतलब तुम्हें पता है कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है वहां पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो जो इमेज फॉर्म होगा वो सेम साइज का बनता है और रियल इमेज फॉर्म होता है क्लियर स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल मिरर एक स्पेरिकल मिरर है और एक थिन स्पेरिकल लेंस है है और एक छोटा पतला स्पेरिकल जिसका फोकल मतलब दोनों सेम है जो कि माइनस फिफ्टीन सी एम है तो वो जो मिरर है और वो जो लेंस है वो कैसे है तो देखो पहला तो माइनस दिया गया है क्या दिया गया है माइनस तो किसका फोकल लेंथ माइनस होता है मतलब लेफ्ट की तरफ होता है Obviously बात है 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 का convex का होता तो तो right की तरफ आ जाता होगा तो पर concave का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो दोनों क्या है कनकेफ है फंडा क्लियर नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज एपियर्स इरेक्ट ये मैटर नहीं करता कि तुम जितने भी दूर मिरर के खड़े रहो तुम्हारा इमेज क्या है इरेक्ट ही होगा रियल नहीं होने वाला द मिरर इज लाइकली टू बी तो हमें पता है ऐसे कौन से मिरर में बस वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है वो है प्लेन मिरर और दूसरा कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बन सकता क्योंकि मिरर में भी सर हमें तो पूरा हुबहू रियल दिखता है तो देखो तुम एक मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो तुम अगर लेफ्ट वाला हाथ ऊपर कर रहे हो तुम खुद इमेजिन करना अगर एक सच में अगर एक लड़का वो मिरर तुम्हें फेस करता हुआ खड़ा होता तो तुम जब लेफ्ट हाथ ऊपर करते तो तुम्हें लगेगा कि वो वाला लड़का अपना राइट right हाथ ऊपर कर रहा है क्लियर मिरर में कीन ऑब्जर्व करना मतलब थोरोली देखना अच्छे से देखना कि तुम जिस और का हाथ उठाते हो वो भी इस शौर का हाथ उठाता है पर अगर तुम मिरर की तरफ फेस किए हो अगर मिरर का तुम अपने आप को जैसे देख रहे हो मिरर में मतलब उसके अंदर मान लो अगर हकीकत में कोई होता तो उसका वो राइट हाथ होता है जब तुम लेफ्ट हाथ उठा रहे हो वो अपना राइट हाथ उठा रहा होता ऑब्जर्व करना समझ में आ जाएगा मिरर के सामने जाओ, करो। साथ ऑफ देंसेस कौन से लेंसेस यू वीफर तुम प्रीफर करोगे यूज करना वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर डिक्शनरी तो हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है जो

और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा कैसे देखो इसका रे डायग्राम ऐसा कुछ होने वाला है तो विद रे डायग्राम ईच केस मैंने डिस्क्राइब किया था और यहां पे क्वेश्चन पे बोला है कि वी यूज टू ऑप्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो हमें इरेक्ट इमेज चाहिए और इरेक्ट हो गया तो वर्चुअल हो जाएगा व्हाट शुड बी रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर तो उसका डिस्टेंस कितना होगा जीरो जीरो मतलब क्या है उसका ऑप्टिकल पोल होगा मिरर के केस में पोल होता है और लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर होता है तो उनके बीच जब एक ऑब्जेक्ट आएगा तभी ही एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा और जब इतना पास कोई ऑब्जेक्ट होता है हमें पता है जितना पास ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज होगा तो ये मिरर के बहुत पास है, है। इसलिए ये इमेज भी थोड़ा मैग्नीफाइड होगा क्लियर तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ थोड़ा बड़ा आंसर हो सकता है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन फॉलोइंग सिचुएशन तो कार के हेडलाइट में कौन सा यूज होता है सिंपल जवाब कनकेप वाला उसमें कैसा दिखता है यार मिरर मिरर देखो उसमें थोड़ा आगे की तरफ मतलब नीचे केप के अंदर उसका साइनिंग सरफेस होता है तो कनकेप मिरर रियर व्यू मिरर ऑफ ए तो यहां पे बहुत लोग बोलेंगे सर प्लेन तो दिखता है नहीं वो असल में कन्वेक्स होता है वो अंदर वो कन्वेक्स का स्ट्रेटेजी यूज किए होते हैं जो तुम्हें दिखता नहीं है बहुत लोगों को प्लेन की तरह अगर दिख रहा है तो मैं बता देता हूं वो कन्वेक्स मिरर होता है क्लियर और सोलर फर्नेस में कौन सा कन्वेक्स मिरर सोलर फर्नेस में भी कौन सा लार्ज मिरर 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 यूज होगा कन्वेक्स करता करता है एक जगह पे इकट्ठा है तो सनलाइट एक जगह पे इकट्ठा होगा तभी गर्मी लगेगी तभी हीट प्रोड्यूस होगा इसलिए कनकेब यूज करेंगे क्लियर तो रीजन के साथ आंसर दिया गया है तुम छाप सकते हो अपने कॉपी में चाहो तो क्वेश्चन नंबर नाइन वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कोवर्ड विद ब्लैक पेपर तो एक कन्वेक्स लेंस के आधे हिस्से को ब्लैक पेपर में कन्वर्ट कर

तो हम देख रहे हैं क्या वो एक कंप्लीट इमेज फॉर्म कर रहे है। तुम डायग्राम से देखो देख लिए देखो वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कोवर्ड पेपर विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ये क्वेश्चन पूछा है ए ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये जो इमेज फॉर्म कर रहा है एडस बीडस ये क्या है एडस बीडस ये इमेज है जो कि कंप्लीट दिख रहा है हमें आधा अधूरा इमेज फॉर्म होता नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका आधा हिस्सा जरूर कोवर है पर कुछ तो हिस्सा बाकी है ना तो ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑब्जेक्ट इवन इफ इट्स वन हाफ इज कोवर्ड विद ब्लैक पेपर इट कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग टू केसेस वेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कोवर्ड इन दिस केस एंड रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्रेक्टेड बाय लोअर हाफ ऑफ लेंस तो अगर ऊपर का हिस्सा आधा कोवर है तो नीचे से लाइट चला जाएगा और अगर नीचे का हिस्सा कोवर है तो लाइट ऊपर से चला जाएगा दोनों ही केसेस में कंप्लीट इमेज फॉर्म हो सकता है पर मान लो थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे तब पूरा इमेज हमें नहीं मिलेगा क्लियर क्वेश्चन नंबर लेंस तो हमें पता है कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होता है कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस कैसा होता है डाइवर्जिंग होता है जबकि जो लेंस डाइवर्जिंग होता है पर कनकेब कैसा होता है तो वो क्या मतलब एक जगह पे प्रतीत हो रहा है तो वो क्या है डाइवर्जिंग क्लियर तो फॉर्मूला पुट करो यू हमें दिया है माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हाइट ये अपने आप से कर सकते हो ऑब्जेक्ट हाइट फाइव सी कौन सा फॉर्मूला वन बायल्स टू वन बाई भी माइनस वन यू तो ये कौन सा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है अरे ये बताया था लेक्चर वीडियो में तो ये फॉर्मूला में में भी बोलते हैं तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने का कौन सा लेंस में देखो वाई यू होता है मिरर होता तो माइनस वीवाई यू होता तो तुम्हें बस वीवाई यू लेना है विद एप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन क्लियर जहां पे नेगेटिव होगा की ओर जाने पर नेगेटिव होता था राइट की ओर जाने पर पॉजिटिव होता था ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है बिल्कुल ग्राफ पेपर की तरह होता है क्लियर तो ये फॉर्मूला पुट करने के बाद हमें आंसर मिल गया बहुत ही आसान सवाल था खुद करके देखो नहीं होता है तो कमेंट में बताओ सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन ऑफ फोकल लेंथ सीएम एक कनकेब है जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सीएम है एक इमेज फॉर्म करता है 10 सीएम का हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस तो यहां पे एक चीज देखो एक लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है कनके सी एम में फॉर्म हो रहा है 10 cm में तो यहां से सीधा सीधा हमें जवाब मिल जा रहा है कि जो एफ है वो फिफ्टीन सी है और जो इमेज डिस्टेंस मतलब क्या होता है वो भी होता है तो भी कितना है टेन सी और हमें लेंस फॉर्मूला से पता है कि वन बाय भी माइनस वन बाई यूल्स टू वन बाय एफ वन बाय भी हम फाइंड कर सकते हैं कितना होगा वन बाय टेन और वन बाय कितना होगा यू so कितना निकलेगा वन बाय भी मतलब वन बाय टेन माइनस वन बाई फिफ्टीन जो कि करने वाले हैं वन बाय टेन माइनस टेन होगा क्योंकि ये एक कौन सा लेंस है इसका जो केव लेंस ये कनकेव लेंस है तो इसलिए इसका हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर किस लेफ्ट की तरफ इसका तो माइनस हो जाएंगे तो वन बाय माइनस तो माइनस तो तो थ्री प्लस टू डिवाइडेड बाय थर्टी निकलेगा जो कि माइनस वन बाय थर्टी आंसर निकलने वाला है सिंपल सा फॉर्मूला पुट किया सर आपके से पहले से ही फॉर्मूला देख दी बिना आंसर कि ये फॉर्मूला यूज होगा तो हमेशा देखना क्या गिवन है क्या निकालना है तो उससे तुम रिलेट करके पहले तो तुम्हें मूं जबानी सारी फॉर्मूला याद होनी चाहिए और याद जब हो जाएगा तो तुम खुद डिसाइड कर सको कि कौन सा फॉर्मूला पुट करने पर निकल जाएगा आंसर क्या क्या गिवन है उसके रिलेटेड तो ऑब्जेक्टेंस यूल्स टू माइनस थर्टी सी एम द नेगेटिव वैल्यू ऑफ यू इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इन फ्रंट ऑफ लेंस तो नेगेटिव वैल्यू कब होता है जब लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट की तरफ क्या होता है फ्रंट होता है लेंस का एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ टेन सी एम फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर तो तुम्हें तो पहली बात जाना है कि कन्वेक्स मिरर का जो फंडा है कि उसके 10 cm, तो 10 cm है डिस्टेंस ऑफ टेन सी एम तो दस सी एम कौन एक ऑब्जेक्ट है फोकल लेंथ कितना है पंद्रह सी एम फाइंड द एंड नेचर ऑफ फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज तो पहली बात कन्वेक्स मिरर जो होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होता है राइट की तरफ तो सारे क्या होंगे प्लस होंगे पहली बात सारे क्या होंगे प्लस होंगे पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेफ्ट में होगा क्या है मिरर के फ्रंट पार्ट में है मान लो ये एक मिरर है यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं इसका मतलब right सेंटर ऑफ इस तो इस होता है इसका नेगेटिव पार्ट क्लियर तो नेगेटिव पार्ट में होगा ऑब्जेक्ट तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लिखा हुआ है पर फोकल लेंथ क्या होगा प्लस होगा क्योंकि वो राइट right में है तो यहां पे फिर से फॉर्मुला पुट होगा by B plus by by app, जो कि मिरर फॉर्मुला है तो ये पुट करने के बाद क्या निकला जो हमारा इमेज डिस्टेंस था वो सिक्स क्लियर ये इनटू मल्टीप्लिकेशन फिर क्या बताऊं यार तुम्हें टेंथ क्लास के बच्चे को तुम्हें फॉर्मुला पुट करना बेसिक फिजिक्स कंसेप्ट पढ़ाऊंगा हाँ अगर तुम्हें यह भी चाहिए तो बता दो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टाइम से यह भी बताने लगेंगे क्लियर दस इमेज डिस्टेंस क्या है सिक्स है और ये सारे आंसर निकल गए जो कि लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस भी अपॉन यू माइनस भी अपॉन यू पे एक डिवाइडेड का साइन होना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस सिक्स अपन माइनस थर्टी माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस थर्टी तो इसका आंसर क्या माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस सिक्स बाय थर्टी क्या हो जाएगा सॉरी सिक्स बाय थर्टी हो जाएगा तो सिक्स वन बाय फाइव हो जाएगा आंसर वन बाय फाइव इट्स नॉट फिफ्टीन वन बाई फाइव होगा से लेस है अब ये मत बोलना कि फिफ्टीन कैसे वन से लेस है वो वन बाय फाइव है क्लियर अब देखेंगे कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज प्लस वन वॉट डॉज दिस मीन तो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ है प्लेन मिरर के द्वारा वो क्या है प्लस वन है तो ये क्या बताता है कि वो जो इमेज है वो सेम साइज का है जो ऑब्जेक्ट का साइज था और एक बात भी वो बताता है बहुत सी बातें बताता है यार जैसे कि माइनस साइन पहले तो एम वन इंडिकेट द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव साइन ये भी बताता है कि ये जो इमेज फॉर्म हुआ है ये एक इरेक्ट इमेज है जो कि सीधा इमेज है अगर माइनस होता तो क्या होता इन्वर्टेड इमेज होता क्लियर ऑपोजिट साइंस ऑफ भी एंड यू इंडिकेट दैट इमेज इज फॉर्म ऑन अदर साइड ऑफ मिर फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है भी और यू केस में क्यों क्योंकि इसका जो इमेज फॉर्म हुआ होगा वह दूसरी तरफ हुआ होगा जिस साइड ऑब्जेक्ट था मतलब पीछे की तरफ ऑब्वियसली एंड ऑब्जेक्ट इज फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेसड एट डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर तो एक ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ कितना है पांच सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर तो कन्वेक्स मिरर के आगे 20 सेंटीमीटर में है और तुम्हें यहां पे बताया गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो focal, focal का फोकल लेंथ डबल होता है है वो 30 cm है। तो यहां से सीधा सीधा पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पॉइंट ऑफ फोकस के बीच में है क्लियर तो फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर तो यहां पे देखो हमने कैसे फाइंड किया पहले तो हमें हाइट पता चल गया उसका लेंथ को हाइट कंसीडर कर देना बहुत से केस में अगर उसका डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा वो यू हो जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्लियर क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सा लेफ्ट साइड होता है तो इसमें कौन सा साइन लगेगा माइनस ट्वेंटी पर क्योंकि ये ये जो जो मिरर 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 है 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 और मिरर का फोकल लेंथ होता है, वो किस तरफ होता है राइट साइड होता है तो क्या होगा पॉजिटिव साइन लगेगा क्लियर साइंस एंड कन्वेंशन अगर क्लियर नहीं है जाओ लेक्चर वीडियोस में इसको भी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है यार जिसने लेक्चर वीडियो देखा होगा उसको कहीं पे भी नहीं लग रहा हो और, हो 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 और हो हो फिजिक्स को पढ़ा नहीं जाता इसको फील किया जाता है क्लियर जो कि मैं करा रहा हूं तुम्हें और ये सवाल भी यूं बनेंगे मेरे फिजिक्स स्ट्रांग था तो तुम्हारा क्यों नहीं बन सकता क्लियर क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं

और हाइट एक साइड लेने के बाद हमें जो एजेस इमेज साइज मिल रहा है वो 2 .2 cm मिल रहा है सारे फॉर्मूला का खेल है में इंटू माइनस प्लस डिविजन जितना करना होता है उतना कर देने पर चुटकी बजा के निकल जाता है क्लियर तो ये इमेज कैसा होगा वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगा जिसका हाइट टू पॉइंट टू सेंटीमीटर का होने वाला है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ एट पॉइंट सिक्समीटर फ्रॉम क्लियर अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है सेवन सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट मतलब एच कितना है सेंटीमीटर और 27 तो तुम्हें जो, पता है यहां से कि जो एक, होता है, एक के साइड में इन फ्रंट ऑफ ए से शुरू करते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है एच सेवन सेंटीमीटर है प्लेस कहां पे है ट्वेंटी सेवन सी एम इन फ्रंट ऑफ ए कनकेप मेर तो कनकेब मेवन सी एम फ्रंट में है मतलब लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगा एक बात ध्यान रखो और कनकेब मिरर का फोकल लेंथ भी क्या होता है नेगेटिव होता है एंड व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑप्टेड तो यहां पर यही बोल रहा है इनडायरेक्टली कि इमेज डिस्टेंस क्या होने वाला है पहले तो तुम्हें क्या पता है एच पता है और एक बात क्या पता है u पता है जो कि इमेज डिस्टेंस होता है कितना होगा माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और f भी पता है कितना है f तो f हमें पता है कि वो माइनस एटीन सी है तो पहला फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे मिरर फॉर्मूला वन बायू प्लस वन बायूक्वल्स टू वन बाई एफ क्योंकि तुम्हें u और f पता है तो तुम भी निकाल दोगे निकाल दी भी निकाल दिए पहले उसके बाद हम क्या करेंगे एचडेस बाय एच

इमेज होने वाला है तो बड़ा होगा तो एनलार्ज इमेज होगा क्लियर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर माइनस टू डाइप्टर तो हमें पता है कि पी का फॉर्मूला क्या था वन बाय तो रहा है कि माइनस टू डिएप्टर मतलब एक कोई कनकेव लेंस का नंबर है किसका नंबर है कनकेव लेंस का क्योंकि कनकेव का माइनस होता है और कन्वेक्स का प्लस होता है तो पहले तो लेंस का जो नेचर है वो कनकेव है और दूसरा फोकल लेंथ अगर फाइंड करना है तो अगर वन बाय इक्वल्स टू टू क्लियर तो कितना था जीरो वन बाय पी होता है तो पी तो एफ इक्वल्स टू पी वन बाय पी हो जाएगा तो वन बाय माइनस टू पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव मीटर आएगा क्या उसका फोकल लेंथ तो क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो लेंस का क्वालिटी क्या होगा किस टाइप का नेचर क्या होगा वो एक कनकेब लेंस होगा क्योंकि कन्वेक्स का राइट में होता है तो पॉजिटिव होता है कनकेब का लेफ्ट में होता है इसलिए नेगेटिव होता है क्लियर अब देखते हैं ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस वन पॉइंट फाइव डायफ्टर तो एक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है क्या, क्या? करेक्टिव लेंस कितने पावर का प्लस वन पॉइंट फाइव डायफ्टर का फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस

वन अपन वन पॉइंट फाइव कर रहे हैं तो इसका मतलब डायरेक्टली ये बता दे रहा है कि टेन अपन फिफ्टीन है तो इससे हमें आंसर कितना मिलेगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सी एम सेवन सी क्लियर क्लियर तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर का एक्सरसाइज सोल्यूशन होता है एंड तो मैं लेता हूं तुमसे विदा जाते जाते बता देना चाहता हूं कि जकास क्लासेस में तुम्हारे मैथ साइंस इंग्लिश के टोटल सिलेबस लेक्चर वीडियोस इन वीडियो कोर्स फॉर्मेट अलोंग विद एक्सरसाइज सोल्यूशन एंड इंपोर्टेंट नोट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डल जाएगा टेंथ में कैसे 95 परसेंट प्लस कोर करना है उसके स्ट्रेटेजी भी बहुत जल्दी आ जाएगा स्ट्रेटेजी वीडियोस नोट्स जो एमसीक्यू होंगे तुम्हारे टर्म वन से पहले रिलेटेड एमसीक्यू या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डालने वाला हूं तुम्हारे लिए इस साल थ्रो योर जर्नी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा सारे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो बड़े भैया मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोई भी रिसोर्सेस का कमी नहीं होने दूंगा जितना फाइनेंस लग जाए लगा देंगे यार चिंता मत करो सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे बता मिलते हैं अगले वीडियोस में तब तक पढ़ते रहो जगास क्लासेस देखते रहो जय हिंद बंदे मातरम